दिस इज राशि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। प्रीवियस क्लास में बेटा हमने क्या डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जो जीरोस हैं उनके बीच में और कोफिशिएंट के बीच में कैसे रिलेशन हमने निकाले थे। आज क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास जीरोस या फैक्टर गिवन है उनसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे निकालेंगे। क्लियर है तक? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या आपके जो एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन आपके पास कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन हमारे पास √2 एंड 1/3। ठीक है बेटा, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूं कि सम एंड प्रोडक्ट को हम कैसे निकालेंगे। इसके अंदर पॉलीनोमियल का एक फार्मूला होता है आपके पास कि p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? सम। अल्फा बीटा क्या होता है? हमारे पास प्रोडक्ट। क्लियर है तक? तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सम गिवन है एंड एक क्या गिवन हमारे पास प्रोडक्ट। सम क्या गिवन है? रूट टू एंड प्रोडक्ट क्या गिवन बेटा हमारे पास? 1/3। अब ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे? हम पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे? हम पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? √2 को जब हम यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2x प्लस अल्फा बीटा क्या है? 1/3। क्लियर है यहां तक? इस 3 ये अपॉन में है। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों से अगर 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बच जाएगा? ओनली 1 बच जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस क्या बच जाएगा बेटा? 1। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया हमारे पास। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा? कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का जब हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है तो वो क्या होती है हमारे पास? एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब देखो हमारे पास यहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है वेरिएबल की? 2 आ रही है। तो दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्लियर है तक? आगे समझ में क्वेश्चन पेपर में आता है बेटा क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मैं समझा देती हूं दोबारा से। √2 एंड 1/3 सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन थे। ओनली हमने क्या किया, इस इक्वेशन अंदर पुट किया ताकि हमारे क्या जाए? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड हो जाए। क्लियर है तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे -1/4 आ गया एंड यहाँ पे क्या आ गया? 1/4। -1/4 है बेटा और एक क्या 1/4 आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो सेम एज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। पुट करते हमारे पास क्या आ जाएगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो देखो बेटा सम क्या गिवन हमारे पास? -1/4। अल्फा बीटा क्या गिवन है? 1/4। क्लियर है तक? बस इक्वेशन में पुट कर दो आप। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कर दी बेटा? हमने पुट कर दी। हमारे पास क्या आ गए? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस -1/4 x प्लस क्या आ गया? 1/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन को, क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। क्या गया हमारे पास? 4x स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? x, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा प्लस ये क्या हो गया हमारे पास? 1 + 1। तो दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एक जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड करते हैं। क्लियर? आपके पास कोई इक्वेशन गिवन होगी वो बस आपने क्या करना है, इसके अंदर पुट करनी है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपके पास आ जाएगी। क्लियर है तक? तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे। फर्स्ट क्या थी, मैंने आपको समझा दिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। आई होप आप लोगों ने अब तक वो कर लिया होगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन में क्या थे, हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये निकालना था। ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे ताकि आपके क्या आ जाए? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ जाए। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट
एक्सरसाइज क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट एक्सरसाइज किस बेस पे बेटा, अभी 2.3 डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड आपने वेरिएबल्स की 9th क्लास में की होगी, आई होप आपको आती भी होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करते बेटा, 2.3 मींस डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम कैसे करते हैं बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है, एक तो होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, वेयर पी ऑफ एक्स क्या बेटा हमारे पास क्या है, डिवाइडेंड। देखो मैं डिवाइड करके बताती हूँ आपको, जैसे ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा हमारे पास 1, दैट इज डिवाइडेंड, दैट इज डिवाइजर, दैट इज कोसेंट एंड इज रिमाइंडर, क्लियर है तक। तो p of x क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, डिवाइडेंड, क्या हो जाएगा डिवाइडेंड, क्लियर है तक। g of x क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेंड हो, कोशेंट, ये क्या हमारे पास कोशेंट, क्लियर। r of x दैट इज रिमाइंडर, दैट इज रिमाइंडर, क्लियर है तक। कैसे निकालो बेटा, p of x is equals to क्या है, g of x multiply q of x plus r of x, p of x that is dividend, g of x that is divisor, q of x that is quotient and r of x is remainder, clear है अंतर। अब आप variables में divide कैसे करोगे, ये तो भी बेटा verification, जब आप divide करोगे, जैसे कि मैंने ये इसका verification निकालती, for example, ये क्या होगा बेटा dividend, dividend क्या होगा 9, कैसे करते हैं हम, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, कोसाइन, बिकॉज़ डिवाइजर को मल्टीप्लाई किससे करें हम, कोसाइन से, 2 को मैंने कोसाइन से मल्टीप्लाई किया मींस 4 से, रिमाइंडर क्या कर दे बेटा ऐड कर दिया, 2 4 जा 8 प्लस 1 क्या आ गया आंसर हमारे पास 9, तो डिवाइडेंड आ गया हमारे पास। ये क्या हो गया वेरिफिकेशन, जब आप डिवाइड कर देते हो उसके बाद आप वेरिफिकेशन करके देखते हो कि जो आपने डिवाइड किया है उसमें जो रिमाइंडर कोशेंट आए हैं वो आपके करेक्ट हैं या नहीं है, ये चेक करने का तरीका है, क्लियर है तक। अब करते हैं हम क्वेश्चन, क्या 2.3 एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बेटा आपके पास, एक्स क्यूब डिवाइड करना है, एक्स क्यूब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड किससे करना, हमने किससे करेंगे डिवाइड बेटा, हम x² माइनस 2 से, किससे कि हमने x² माइनस 2 से हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे डिवाइड हम, देखो बेटा हमने ऐसे किया x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड किससे कर रहे हैं, पहले मैं छोटे डिजिट लिए ताकि आपको इजीली क्या आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है, ओके। देखो बेटा डिवाइड करने का तरीका क्या है हमारे पास, पहले तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है x², यहाँ पे क्या है x³, हमें जो फर्स्ट टर्म रहेगी उसको क्या करना है, कैंसिल करना है, उसको कट होना चाहिए, ऐसे मल्टीप्लाई करना आपने, ऐसे डिजिट से, x² को हम ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या है x³ आए, अगर मैं x² को x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो x³ आ जाएगा हमारे पास, कैसे आएगा बेटा, देखो यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, बेस अगर सेम होता है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 2 एंड 1 क्या हो गया 3, क्लियर है तक, आ गया समझ में, तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ एक्स से मल्टीप्लाई ताकि आपका x³ आ जाए, कैसे कि x² को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास x³, तो यहाँ पे आ गया x³,
यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, टू को x से करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2x, क्लियर है तक? नहीं देखो आप पहले यहाँ पे 2x है यहाँ पे, तो इसके नीचे भी लिख सकते हो आप, क्लियर? जैसे डिवाइड किया साइन क्या हो गया इनके चेंज हो गए, यहाँ पे ये 2x है बेटा, लाइक टर्म को मैं एक साथ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, तो मैं क्या कर देती हूँ यहाँ पे 2x राइट डाउन कर देती हूँ, माइनस 2x सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस साइन क्या हो गया चेंज, ये तो कैंसिल हो गया बेटा हमारे पास। ऊपर देखो क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है क्योंकि हमें सीक्वेंस में चलना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 5 प्लस है ये प्लस का 2 है, माइनस नहीं देखो माइनस अब इग्नोर कर दोगे आप, ये प्लस है तो साइन किसका आ जाएगा प्लस, प्लस 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 होता है ना, 5 और 2 क्या हो गया बेटा 7x, क्लियर है तक? अब देखो यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो ऊपर भी क्या आएगा प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस का साइन, यहाँ पे क्या है बेटा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, अभी यहाँ पे देखो क्या है थ्री एक्स स्क्वायर है, अब हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स में तो कोई चेंजेस करने की जरूरत है नहीं बेटा, बस चाहिए क्या हमें थ्री चाहिए, तो बस क्या कर देंगे हम थ्री से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, देखो बेटा ऊपर से यहाँ पे क्या होता है माइनस थ्री, देखो बेटा नेक्स्ट यहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या माइनस 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 प्लस, थ्री टू जो सिक्स, अब साइन चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं ना हमारे, तो ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या है प्लस सेवन एक्स, यहाँ पे देखो बेटा ये माइनस है, अब प्लस इग्नोर कर दोगे अब माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस, सिक्स और थ्री कितना हो गया हमारे पास नाइन, क्लियर है तक? अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे क्या है सेवन एक्स माइनस नाइन, अब इसकी डिग्री इससे क्या हो रही है कम है, तो मतलब आगे डिवाइड नहीं हो गया हमारे पास, तो ये क्या हो गया हमारे पास रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा कोशेंट, और ये क्या हो गया हमारे पास डिवाइजर, और ये क्या हो गया डिवाइडेंड। अब वेरिफिकेशन कैसे करोगे, देखो बेटा वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस क्या हो गया आर ऑफ एक्स, क्लियर है तक? देखो जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स क्या है, ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू, कोसेंट क्या बेटा हमारे पास x माइनस थ्री, रिमाइंडर क्या है सेवन एक्स माइनस नाइन, एक्स स्क्वायर को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री एंड माइनस टू को भी एक्स माइनस थ्री प्लस सेवन एक्स माइनस नाइन, देखो अब एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा एक्स की पावर थ्री, यहाँ पे क्या माइनस है माइनस का साइन लगा दिया, थ्री को एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट करते हैं बीच में साइन किसका है माइनस, माइनस का टू एक्स, माइनस माइनस प्लस टू थ्री जो सिक्स, क्लियर? अब ये बच गया हमारे पास प्लस सेवन एक्स माइनस का क्या हो गया नाइन, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या बेटा माइनस टू एक्स, यहाँ पे क्या है प्लस सेवन एक्स, प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि सेवन जो है टू से क्या है लार्ज है, माइनस क्या हो गया नाइन, ओके प्लस क्या बेटा सिक्स, तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका आएगा माइनस का आएगा क्योंकि नाइन क्या है सिक्स से लार्ज है, तो नाइन आउट ऑफ सिक्स क्या हो गया हमारे पास थ्री। अब देखो बेटा इक्वेशन हमारे पास जो पी ऑफ एक्स आई है, क्या है हमारे पास पी ऑफ एक्स की एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, और ये हमारे पास डिवाइडेंड था कि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, मीन्स हमने जो डिवाइड किए एक्स स्क्वायर माइनस टू को इस इक्वेशन के साथ, वो क्या हमारे पास जो कोशेंट और रिमाइंडर आए वो क्या हमारे पास करेक्ट है, हमने वेरिफिकेशन भी करके देख ली, हमारे पास सेम पी ऑफ एक्स आ भी चुका है, क्लियर है तक? आगे समझ में दोबारा समझा देते हैं बेटा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, डिवाइड किससे करना है एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करना है, डिवाइड करने का तरीका क्या है कि पहले ये देखो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है फर्स्ट में,
ठीक है बेटा। अब ये देखो इसको हम कैसे कैंसिल करेंगे कि सेम आ जाए। अब देखो यहाँ पे x square तो यहाँ पे क्या है x cube है। अगर x square में हम एक x को ऐड कर देते हैं तो x cube हो जाएगा हमारे पास, क्लियर यहाँ तक। तो मैंने क्या किया एक x से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो x cube हो गया। यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस का साइन, 2 को भी हम x से करेंगे। ऐसा नहीं करना कि x को ओनली x से करते, 2 से नहीं करोगे, 2 को भी बेटे साथ में लेके चलना है, क्लियर यहाँ तक। तो 2 को जो हमने x से किया तो क्या आगे माइनस 2x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साइन चेंज कर दिया हमने क्योंकि हम माइनस करना है हमें, तो ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, कैंसिल। यहाँ पे बच्चे हमारे पास माइनस 3x2। बच्चे यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 और 2, दोनों क्या है प्लस के साइन है, तो 5 और 2 क्या हो गया हमारे पास 7x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या थी 3x2, अब 3x2 को कैंसिल करना है। 3 कैसे कैंसिल करेंगे हम, यहाँ पे ऑलरेडी x2 हमारे पास गिवन है, बस कमी किस चीज की है 3 की है, कि 3 हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे 3 को भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास 3x2 आ जाए। अब 3 को इससे भी करोगे 2 से भी करोगे तो ये क्या होंगे माइनस माइनस प्लस, क्लियर यहाँ तक। 3 2 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो गया हमारे चेंज हो गए, ये माइनस है दैट इज प्लस, प्लस इज माइनस, ठीक है। ऊपर क्या बचा हमारे पास 7x माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा हमारा माइनस का, 6 और 3 क्या हो गया 9, दैट इज योर रिमाइंडर, क्लियर यहाँ तक। अब वेरिफिकेशन कैसे करते हैं बेटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है डिवीजन एल्गोरिथम का, कि p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाई क्या ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो हमने क्या किया g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे क्या ऑफ x की, प्लस रिमाइंडर रख दिया हमने। x स्क्वायर को पहले x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, और 7x माइनस 9 को हमने एडिटिव पुट कर दिया, क्लियर यहाँ तक। एक्स स्क्वायर को जो एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया बेटा एक्स 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 को जो एक्स माइनस 3 से किया तो माइनस 2x प्लस 6, प्लस क्या हो गया 7x माइनस 9। ओनली इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सोल्व कर लिया कि x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है बेटा प्लस, क्योंकि लाइक टर्म को ही करते हैं हम, तो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा प्लस का आएगा, बिकॉज 7 जो है वो 2 से क्या है लार्ज है, जो लार्ज डिजिट होती है उसी का हम साइन यूज करते हैं, क्लियर है तक। 7 आउट ऑफ 2 क्या बच गया 5, एंड 9 आउट ऑफ 6 क्या बच गया हमारे पास 3, क्लियर है तक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x रेज टू पावर 2 एंड प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड किससे करना है बेटा, डिवाइड किससे करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस टाइम क्या करेंगे डिवाइड कि 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड किससे करेंगे, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। देखो सेम एज कैसे डिवाइड करेंगे हम, प्लस 5x पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड किससे कर रहे हो, x पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। देखो बेटा मैंने क्या तरीका बताया था आपको कि हमें पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, फिर देखो यहाँ पे क्या है 3x पावर 4, अब हमें इसको कैंसिल करना है। अब किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर को ताकि हमारे पास ये आ जाए, क्लियर। अब किससे करें देखो बेटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है इसका एक्स स्क्वायर का 1 है, 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 1 3 आता है हमारे पास, तो हमें पता लग गया एक तो हमें यहाँ पे 3 पुट करना है, क्लियर।
यहाँ पे क्या है x square, यहाँ पे क्या x की पावर 4, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, अगर x की पावर 2 को मैं x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा ऐड, तो x की पावर क्या हो जाएगा 4, क्लियर है तक। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, x की पावर 2 ले लिया, क्लियर है तक। 3 1 जा 3 एंड x स्क्वायर को जो x स्क्वायर से किया तो क्या आ गया हमारे पास x की पावर 4, क्लियर। 3x को 3x स्क्वायर से करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, सॉरी फॉर दैट, 3 3 जा 9, x है यहाँ पे क्या बेटा x स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे हम x की पावर 3, प्लस 1 है प्लस 3x स्क्वायर। देखो आगे समझ में आपको कैसे आए, देखो बेटा 3x स्क्वायर को जो हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई 3x की पावर 4, ठीक है। और 3x स्क्वायर से जब आपने 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 इज 9, x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास x की पावर 3, क्लियर यहां तक। फिर 3x स्क्वायर को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 3 1 जा 3 और x स्क्वायर, माइनस क्योंकि सबट्रैक्ट करते हैं साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, तो ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखो बेटा लाइक टर्म है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका आएगा माइनस का आ जाएगा साइन, ठीक है। 9 आउट ऑफ 5 क्या बच गया हमारे पास 4, x की पावर क्या हो गई 3, यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस, 7 और 3 क्या हो गया 10 x स्क्वायर। जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है, साइन का बिल्कुल ध्यान रख के चलना है, अगर आपने एक भी डिजिट किया साइन की गड़बड़ कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपको वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर है तक। तो केयरफुली करना है, प्लस बचा क्या हमारे पास 2x, प्लस क्या बच गया 2, ये बच गया हमारे ऊपर, हमने उतार लिया, क्लियर। अब देखो हमारे पास क्या बचा माइनस 4x की पावर क्या बच गया बेटा 3 बच गया, सेम एज मैंने क्या बताया था यहाँ पे साइन अगर माइनस है तो ऊपर भी साइन किसका लग जाएगा माइनस का लग जाएगा, ठीक है, ऊपर भी साइन किसका लग गया हमारा माइनस का। यहाँ पे 4 है बेटा, यहाँ पे क्या है ओनली 1 है, तो पता लग गया 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x क्यूब है, किससे हम मल्टीप्लाई करें x क्यूब बन जाए, x से कर देंगे हम, तो हमने x से कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 4x की पावर 3, क्लियर है तक। माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 x स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 x, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे किया है, कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, बट साइन किसका आएगा प्लस का, बिकॉज 12 आउट ऑफ 10 प्लस 6x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, प्लस का साइन है तो प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, सारे कैंसिल हो गए, इसका रिमाइंडर तो क्या आ गया 0 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा हमारे पास 0, ठीक है। वेरिफिकेशन करनी है तो वेरिफिकेशन कैसे करोगे, सेम एज डिवाइजर को मल्टीप्लाई करोगे किससे कोसेंट से, और रिमाइंडर क्या करना है प्लस करना है, तो देखो कैसे करते हैं, g of x multiply q of x plus r of x किसके इक्वल आएगा बेटा, ये इक्वल आएगा हमारे किसके p of x के, ठीक है। g of x क्या हमारे पास x square plus 3x plus 1 multiply किससे करना बेटा quotient, quotient क्या है 3x square minus 4x plus 2, रिमाइंडर क्या है 0, 0 हमने प्लस कर लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर है, तो 3x की पावर 4 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, x स्क्वायर को 4x से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 4x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x को करेंगे हम, क्योंकि x स्क्वायर इनके साथ हो चुका है, अब 3x को उठाएंगे 3 3 जा 9 x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 x की पावर 2 प्लस
थ्री टू जा सिक्स एक्स, वन बच गया प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू। अब इनको सोल्व करेंगे, ये तो क्या गया थ्री एक्स की पावर फोर। देखो बेटे यहाँ पे फोर एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या नाइन है, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आ जाएगा प्लस का, फाइव एक्स क्यूब। मैच करते रहे ना कि हम सही जा रहे हैं क्या। यहाँ पे क्या हो गया टू, यहाँ पे हो गया ट्वेल्व, यहाँ पे है थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव को ट्वेल्व में से माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास माइनस सेवन एक्स स्क्वायर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फोर एक्स है, यहाँ पे क्या है सिक्स है, सिक्स आउट ऑफ फोर क्या हो गया हमारे पास टू एक्स प्लस क्या हो गया टू। अरे भाई ये तो हमारे इक्वल आ गया, तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारा क्या है करेक्ट है। क्लियर है तो बेटा, तो ये वेरिफिकेशन करने का तरीका है। अगर क्वेश्चन में डिवीजन एल्गोरिथम तो आप करोगे ये वाला, साथ में दे एंड वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए करोगे आप ये वाला। क्लियर है तक आगे। अब इस टाइप के आपके क्वेश्चन काफी है एक्सरसाइज 2.3 के अंदर, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप उनको करके देखना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या डाउट है। क्लियर है तक, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा डिवीजन एल्गोरिथम हमने कैसे किया। थैंक यू वेरी मच।